हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे पोएम ऑल बट ब्लाइंड ओके तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटर है उन्होंने इस पोएम में थ्री एनिमल्स के बारे में बात की है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या तो वो ब्लाइंड हैं या फिर उनकी आईसाइट कमज़ोर है लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में अच्छे से सर्वाइव करते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं ठीक है तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या है ऑल बट ब्लाइंड इन हिज चैम्बर्ड होल ग्रुप्स फॉर वर्म्स द फोर क्लॉड मॉल अच्छा मॉल क्या होता है मॉल एक एनिमल स्मॉल एनिमल होता है जो मोस्टली डार्क स्पेस में रहता है अंधेरे में रहता है और वो क्या करता है वहाँ के होल में रहता है वो और वहाँ के जो कीड़े होते हैं उनको अपने पंजों से पकड़कर खाता है है ना तो बेसिकली मोल क्या कह करता है अपने चैम्बर में ही रहकर और अपने पंजों की मतलब से जो डार्क चैम्बर रहता है चैंबर मतलब कि ऑफिस या घर तो उसके लिए उसका घर क्या हुआ उसका होल वहाँ पर रहकर वो कीड़ों को पकड़ता है और खाता है और अपने आप को सरवाइव करता है ठीक है सेकेंड स्टैंड में किसकी बात हो रही है ऑल बट ब्लाइंड इन द इवनिंग स्काई द हुडेड बैट ट्वर्ल्ड सॉफ्टली बाय सेकेंड स्टैंड में बैट की बात हो रही है अच्छा बैट के बारे में भी ये कहते हैं कि बैट की जो आई साइट होती है वो कमज़ोर होती है है ना तो राइटर का ये कहना है कि मतलब बैट की आई साइट कमज़ोर होती है फिर भी क्या करती है वो अच्छा यहाँ हुडेड वर्ड क्यों यूज़ किया है हुड का मतलब क्या होता है कोट अब इसका मतलब ये नहीं कि बैड जो होती है उसने कोट पहन के रखा है जो उसका शेप इसलिए उसको जो शेप होता है बैट का इसलिए उसको हुडेड वर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ना तो जो हुडेड बैट होती है जो बैट होती है वो इवनिंग स्काई मतलब शाम के समय आराम से उड़ती है और अपना रास्ता घर का रास्ता पहचान ल, पहचान लेती है ना नेविगेट कर लेती है अपने घर का रास्ता उसको प्रॉब्लम नहीं होती ऑल दो उसकी साइड कमजोर होती है फिर भी वो अपने घर का रास्ता ढूंढ लेती है थर्ड पैराग्राफ में क्या बात हो रही है ऑल बट ब्लाइंड इन द बर्निंग डे द बर्न आउल ब्लंडर्स ऑन हर वे थर्ड पैराग्राफ में आउल की बात हो रही है आउल के बारे में भी कहते हैं कि आउल की जो आई साइट होती है वो कमज़ोर होती है लेकिन एक्चुअल में आउल दिन में भी देख सकता है और रात में भी देख सकता है लेकिन एस कंपेयर टू डे टाइम रात में जो आउल की जो आईसाइट होती है वो ज़्यादा फोकस्ड होती है तो इसलिए रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बट उनको दिन में भी दिखाई देता है ठीक है तो राइटर का कहना है कि जो दिन का समय होता है एकदम जब बिल्कुल धूप होती है और बिल्कुल अच्छा दिन होता है उस समय भी जो आउल होता है वो अपने घर का रास्ता पहचान जाता है तो राइटर का यहाँ कहना है कि हमारे हिसाब से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ़ व्यू से ये जो तीनों एनिमल है या तो इनकी आईसाइट कमज़ोर है या ये अंधे हैं लेकिन हमारे हिसाब से ये अंधे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं जी रहे हैं जैसे कि फोर्थ स्टेंजा में लिखा है एंड ब्लाइंड एज आर दिस थ्री टू मी एंड ब्लाइंड टू सम वन आई मस्ट बी मतलब कि ये जो तीनों हैं ये तीनों मेरे लिए क्या है ब्लाइंड है ऑल दो ये सर्वाइव कर रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ब्लाइंड है तो अगर ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ब्लाइंड हैं लेकिन अपनी लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ जी रहे हैं सो ब्लाइंड टू समवन इट आई मस्ट भी तो दूसरों के लिए शायद मैं भी ब्लाइंड हो सकता हूँ